राम राम भाई, सब भाइयों को होली की राम राम, होली की नमस्कार, होली का प्रणाम, होली का आशीर्वाद। मित्रों, एक वीडियो आपके लिए, आपकी जान बचाने वाली वीडियो, जिससे शायद जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज़्यादा लोग समझेंगे और जो उतने ही ज़्यादा लोग बचेंगे। ये वीडियो एक ऐसी हिसाब से दी जा रही है कि जिससे कि आपके अकल में आएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दीपावली पर आप जो लोगों के यहाँ जाते हो या लोग आपके यहाँ आते हैं और आपको मिठाई वगैरह खिलाते हैं, तो उससे बिल्कुल बचें, उससे बचें। खाने से उसी व्यक्ति की मिठाई खाएं जिससे कि आपका भाव मतलब मन का लगाव हो, मन का जुड़ाव हो, आप उसे बहुत मानते हो, वो आपको बहुत मानता हो। अन्यथा आजकल इस जलने जेलसी वाले जलने कुढ़ने वाले ज़माने में किसी की याद का कुछ नहीं खाना चाहिए। पहली बात कुछ नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, जो खोए की या वाइट कलर की बर्फ़ी या फिर खोए की जो बर्फ़ी हो, कलर कोई सा भी हो लेकिन खोए की बर्फ़ी हो या दूध से बनी हुई कोई चीज़ हो मिठाई, उन चीज़ों पर जो तंत्र विद्या होती है उसका असर अचूक होता है। और अगर करने वाला बढ़िया हो तो उसमें आपको गुलाम तक बना सकता है अपना। ऐसे बहुत केस आते हैं मेरे पास, बहुत केस, यहाँ तक कि उन पर प्रेत बाधा तक चढ़ा दी जाती है उस जरिए, मिठाई के जरिए। इनसे बिल्कुल चीज़ों से सावधान, और किसी का ना खाए, मैं तो कहूँगा किसी का भी ना खाएं, चाहे उसको कितना भी माने। अगर और घर के तो आपस में खा ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आदमी प्रसाद के नाम से मना नहीं कर पाता है और वो कहता है प्रसाद है फलाने फलाने भगवान का तो तुम लोगे। और आपका एक और आपका अंदाज मैंने मुझे मालूम है, आप लोग क्या सोचते हो कि अरे भगवान का प्रसाद है, जो होगा भगवान करेगा, जो अच्छा होगा जो खा लेते हैं। नहीं, बुद्धि दी है भगवान ने, भगवान क्या अच्छा करेगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, भगवान क्या अच्छा करेगा। और जहाँ तक वो ना खाएं, क्योंकि आदमी जहर देता है तो वो प्रसाद में देता है। ऐसे ही आपको ऐसी चीज़ें जो गंदी विद्याओं की या कोई ऐसी गलत चीज़ देगा, वो प्रसाद में देगा। इस चीज़ से बहुत सावधान, जो जो इस वीडियो को देखेगा उसके अकल में ये बात आएगी। देखिए, पहली बात तो ये चीज़ें, ये त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि इन पर आदमी हिंदुस्तान का आदमी है, इन पर मतलब सब क्या जाता आता भी, और मना भी नहीं कर पाते इन चीज़ों को। शर्मा शर्मी आप खा लेते हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग भी होते हैं कि वो सामने वाला जरा सा जोर देगा, अरे खा लो ना, अरे बहुत बढ़िया है खा के देखो, तो वो चक्के देख लेता है आरामखोर। अरे ऐसा मत करो, तुम लोगों को सही करने के लिए 24 घंटे हम लोग नहीं आएंगे। और ये खिलाई हुई चीज़ परमानेंट काम करती है, ऊपर से किया हुआ तो भी उतर सकता है, खिलाई का खिलाया हुआ बहुत मुश्किल से उतरता है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि जो मिठाई लेके आए या जो आपको दे ला करके, तो उसकी संख्या करना है आपको, कि उसको भी आपको ले करके उसको भी खिलाना है। कहिए कि आप भी खाइए, आप खाइए, आप खाइए। अगर उस हरामखोर की आंखों में देखना, अगर बदमाश होगा तो उसकी आंखों में देखना कि उसकी आंखों में अगर चटपटाहट आ जाए, चैन चौंक जाए, घबराहट आ जाए, या उसको बार बार मना करे खाने से, तो समझ जाना उसमें बहुत ज़्यादा गड़वाले बाबा गए वो ठाकुर तो काम से। तो इसलिए बच के रहना। मैं बहुत लोग देखे हैं मैंने कि त्यौहार पर चीज़ें खा के उल्टा सीधा हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, और फिर उनसे पूछताछ होती है तो मालूम पड़ता है कि हमने तो खाली त्यौहार को वो चीज़ खाई थी, उसी के बाद से हमारा ऐसा हो गया, उसी रात से हमारा ऐसा हो गया। तो जब आपको स्पष्ट जब चीज़ें ये मालूम है, तो आप ऐसी गलतियाँ कैसे करती हो, नहीं करनी है आपको ये गलतियाँ, क्योंकि एक गलती केवल एक ही बार होती है, दोबारा चांस नहीं मिलता आपको सही होने का। इसीलिए संभल के रहे ना, ताकि हम जैसे कि चक्कर में ना पड़ना पड़े आपको। तो इस चीज़ों का सावधान रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भले वो सामने वाला उसको खा भी लेगा ना, अगर आपके नाम से पड़ी हुई होगी तो उस पर असर नहीं करेगी, आपके ऊपर ही असर करेगी अगर आपके नाम से पढ़ दिया होगा उसने। तो इसलिए खाने का मतलब ही मत रखो। ये छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। एक चीज़ मैंने देखी है कि आदमी श्रद्धा के नाम पर कुछ सब कुछ ले लेता है, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो मिठाई हो, और सबसे ज़्यादा दगाबाजी इन्हीं चीज़ों में देखी है मैंने।
आपको कोई सादा मिठाई ला के सामने से देगा किसी भी दुकान से तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन वो वही चीज़ अगर प्रसाद के रूप में आपके पास आएगी तो आपका श्रद्धा भाव जाग जाएगा, आपके मन अंदर से भावना हिलोरी लेने लगेगी कि आप खा लेते हैं, आप खा लेते हैं। वो सब चीज़ें मत करिए भाई, कौन बचाएगा आपको बार बार। तो ये सब चीज़ें ना करके आप उसे ले लें, और ले करके मैं बाद में खाऊंगा या फिर बाद में खा लेंगे, उसको ले करके पुड़िया में या कटोरी में रख लें उसको, ठीक है, खाने की ज़रूरत नहीं है। लालची व्यक्ति सबसे खाने का लालची व्यक्ति हो ना, वही सबसे ज़्यादा मरता है इस चक्कर में। मैंने बड़े 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 ऊंचे ओहदे वाले लोगों को देखा, पोस्ट वाले, उन सबकी हालत ख़राब हो जाती है, भले वो इस चीज़ को माने या न माने, ये होती है। वो फिर बदमाशियाँ घर में अगर दिखाने लगते हैं, अपने बच्चों को अपनी बीवियों को पीटने लगते हैं, ऐसी हालतें हो जाती हैं, कलेश हो जाता है उनके घर में शुरू, क्योंकि वो चीज़ें छोड़ती थोड़ी हैं फिर आदमी को, ये तो बर्बादी के लिए आती है। तो भैया ये वीडियो केवल सावधानी के लिए था, ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए था, सावधान।